नहीं तो कल दुनिया के जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है अपना एक थिएटर का ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ नया करते रहना। या मैं समझता हूँ कि बड़े मॉडेस्टी के साथ मैं बता रहा हूँ कि चार या पांच प्ले ही होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, कुछ नए नए प्लेज आए, वहां पे प्ले राइटिंग कोर्स भी नहीं। तो सतीश हाड़ेकर साहब अच्छा, मैंने वहां देखा कि मैं जितना हो सकता उतना मराठी लोगों को इन्वॉल्व करूं, क्योंकि दैट इज माय, मुझे लगता है कि फिर विजय कैंकर साहब आए, सतीश हाड़ेकर साहब है, अभिराम भड़कमकर है, तो मुझे इतने अच्छे अच्छे जो जानकार लोग हैं उनको लेके जाए, उनका भी विचार हमको साथ में। और दूसरी बात ये कि मैं ये करना चाहता हूँ कि वो पूरा डिजिटाइजेशन हो वहां पे, उनके पास यू विल बी सरप्राइज 15,000 आवर्स का मटेरियल डेटा है पूरा, वीडियो जो मटेरियल है पूरा, तो उसको डिजिटाइज करो, फिर रीडेवलपमेंट की पूरा बिल्डिंग रीडेवलप करो एक्सेट्रा, वो सब बात है। पर डिजिटाइजेशन करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आज नहीं तो कल दुनिया के जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है अपना एक थिएटर का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं कि हिंदुस्तान का थिएटर हो, लंदन का थिएटर हो, अमेरिका का थिएटर हो, अगर किसी को भी थिएटर देखना है, वर्ल्ड क्लास थिएटर देखना है, क्योंकि एसएसजी में वर्ल्ड क्लास प्लेयर हुए, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस हुए, तो वो सब देखने को मिला, आपने सब्सक्राइब किया और आप देखो मजे से, तो वो भी मेरा एक हायर करने का इच्छा।